में से देखो मत, जो भी दिक्कत हो क्वेश्चन को समझने में वो हमसे पूछ सकते हो। दिक्कत नहीं ना है? टेंथ वालों का पहला टेस्ट जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे उन स्टूडेंटों के लिए पहला ये टेस्ट का आयोजन किया गया है। और देख सकते हैं आप कि सब स्टूडेंट को दूरी बना बना करके जो है वो बिठाया गया है, नीचे में भी और ऊपर में भी, जहां तहां सबको दूरी बना बना करके। हाँ, आपके कोई भी स्टूडेंट अगर टेंथ क्लास में हो, कोई भी अगर सगे संबंधी, तो अगर टेंथ में वो बेहतर मार्क्स अंक के साथ पास होना चाहता है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। सभी विषयों का प्रॉपर रूप से जो है वो तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए हम इस टेस्ट में जो है वो टेस्ट का क्या किस तरह का क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ स्टूडेंटों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, हेलो, क्या नाम हुआ? अजीत कुमार मंडल। कैसा क्वेश्चन पेपर है? क्वेश्चन बहुत इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, जितना पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन है कि बाहर से दे दिया गया? नहीं सर, उसी में से पूरा क्वेश्चन है। क्या क्या, कौन कौन सा फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़े वो? फिजिक्स में अभी सर दो ही चैप्टर खत्म हुआ है। फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर? फिजिक्स में सर एक खत्म हो गया है आपका प्रकाश और दूसरा है आपका सर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इतना कम टाइम में तुम्हारा दो चैप्टर खत्म हो गया है, तो इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से विषय का क्वेश्चन है? सोशल साइंस का है? हाँ सर, सोशल साइंस का है, फिजिक्स का है सर, मैथ का है, हिंदी का है। अच्छा, सभी से मिला करके क्वेश्चन पेपर? यस सर, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप दीजिए, क्वेश्चन देने में मजा आ रहा है ना? यस सर। चलिए एग्जाम देने में। ठीक है, तो और कुछ अपने स्टूडेंटों से पूछताछ करेंगे कि उनका कैसा क्या पेपर जा रहा है। बताइए क्या नाम हुआ? पीयूष कुमार जी। कैसा क्वेश्चन पेपर है? इजी है, क्वेश्चन बन रहा है ना? बन जाएगा ना सभी क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? बाहर से नहीं ना क्वेश्चन, जितना पढ़ाए हैं उसी में से दिए हैं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी कुछ कुछ स्टूडेंट से पूछताछ करेंगे। कैसा चल रहा है एग्जाम? ठीक चल रहा है। ठीक है, क्या नाम हुआ? दुर्गानंद। बहुत बढ़िया। तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? मैथ्स का क्वेश्चन इजी है? हाँ। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या नाम हुआ भाई साहब? अमित कुमार पासवान। अमित कुमार, अमित कुमार जी, कैसा क्वेश्चन पेपर है? कौन कौन से सब्जेक्ट का? फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट, सभी विषयों का हो जाता है? yes. तैयारी हो रहा है ना सभी विषयों? कौन कौन से, जैसे हिंदी का आपका क्या को चैप्टर खत्म हुआ है? हिंदी का आठ को चैप्टर खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैथमेटिक्स का? मैथमेटिक्स का क्या को चैप्टर टोटल हो गया? टोटल वाइज होगा पाँच, चार पाँच को हो गया है। अच्छा, और इसमें क्वेश्चन पेपर कैसा, एग्जाम देने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बन गया सारा क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा बाकी है। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर बोलिए तो आप, जो क्वेश्चन आप लिखे हैं। कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं आप, जैसे बताओ ना। कोनो क्वेश्चन एक गुण, समतल दर्पण के गुण। क्या? समतल दर्पण के गुण। अच्छा, समतल दर्पण के गुण बोलो तो। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अच्छा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। समतल दर्पण की दूरी बराबर वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। बिल्कुल। और समतल दर्पण में बना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा हटाइए तो। अच्छा बताइए तो, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अच्छा, नहीं लिखे हुआ। अच्छा ठीक है, संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं? जब दोनों ओर के परमाणु संख्या समान हो तो संतुलित समीकरण कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब उनमें जो तत्वों की संख्या होगी वो दोनों बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और लिखे हैं कुछ, लेंस की क्षमता लिखे हैं? तो कौन सा लिखे हैं आप इसमें? पारदर्शी। इसमें एक चीज लिखा हुआ है, ईदगाह की कहानी से आप क्या समझते हैं? तो इसके ईदगाह की कहानी में क्या था, इनके पात्र कौन कौन थे, थोड़ा बताइए तो। इनका पात्र थे ईदगाह कहानी में अमीना और
उसकी दादी थी चलिए तो आपने देखा बच्चे जहाँ तक पढ़ के आए हैं वो लिखेंगे क्वेश्चन के पेपर में, ठीक है। कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, धन्यवाद। समझ गया ना, 5 नंबर ही सही, लेकिन ईमानदारी पूर्वक लाओ, यहाँ पर कोई फांसी की सजा नहीं है कि कम मार्क्स का है आ गया तुमको, ठीक है। इम्प्रूव करना है, पहला टेस्ट है। बन रहा है ना सभी क्वेश्चन? ओके।